बस दर्शकों से इतना ही अपील है कि बहुत लार्ज स्केल पे फिल्म बनी है आशिक की, मुद्दा उसमें बहुत बड़ा है, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये उसमें है। जैसा भैया ने, कुणाल भैया ने बताया था आशिकी के बारे में कि एक कॉन्फ्लिक्ट है दो विचारधाराओं का, दो विचारधाराएं आपस में कैसे टकरा रही है, एक 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 रूढ़िवादी विचारधारा और एक आधुनिक विचारधारा। रूढ़िवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुणाल सिंह, ऑफकोर्स सुपरस्टार कुणाल सिंह, और जो आधुनिक विचारधारा है उसको उस फिल्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी। तो बहुत लार्ज स्केल पे फिल्म बनी है, मनोरंजन का फुल पैकेज है, एक कमाल का सोशल इशू है, एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो प्लीज आप लोग सिनेमा घर तक जाइए, आशिकी को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि वहीं से मेरा प्रमोशन हुआ है, सर ने वहीं से मुझे नोटिस किया और आज मैं डायरेक्टर बना हूँ। और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत लार्ज स्केल पे बनी है और काफ़ी मेहनत हुआ है, पूरी टीम ने मेहनत किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सर, हम कोई भी चीज़ बोलते हैं कि ये चीज़ चाहिए तो कभी मना नहीं करते हैं, बोलते हैं मेरी फिल्म गरीब नहीं दिखनी चाहिए, मेरी फिल्म गरीब नहीं दिखनी चाहिए, किसी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सर का प्यार है और सारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप जाइए सिनेमा हॉल में देखिए, और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी, हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। पंचलाइन भैया, बड़ी मजा आएगी, खेसारी दी जब बोली हम कि किसी के साथ सोना आशिकी नहीं, किसी का होना आशिकी है, तो आशिकी देखिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और हम लोग सबके सब इसी थीम को पकड़ लिए हैं कि किसी का होना आशिकी है, तो हम लोग सब बाबा मोशन पिक्चर के हो चुके हैं। मैं तो किसी को अपने पास से दूर नहीं करता हूँ, लोग अगर दूर जाना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, आशिकी का जी। आशिकी का वो मतलब बिहार में प्रवीण जी है, 500 मैजिक मोमेंट, उसके बाद यहाँ पर पंजाब में हरजिंदर सिंह जी हैं, मुंबई में राजेश पप्पू जी हैं, हरजिंदर सिंह हैं, यूपी में सुनील भाटिया जी हैं, और झारखंड भी तो सर प्रवीण जी ही कर रहे हैं, झारखंड बिहार में, नेपाल का है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन। और भी टीम लगी हुई है साथ में आपके, पूरा दर्शक तक पहुंचाने के लिए आपकी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब लगे हुए, सब अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ शूट कर रहे हैं लेकिन सब रोज बातें हो रही है, खेसारी जी से बातें हो रही है कैसे करना क्या करना, वो दो चार दिन जब पहले बच जाएगा ना तब वो सब चीज फिर आने लगी। विजय जी आप क्या कहना चाहेंगे आज की 4 मार्च के लिए, क्या आप कहना चाहेंगे? उसकी मैं ट्रेलर देखा हूँ, बहुत अच्छे लगे मुझे वो ट्रेलर, बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई। आपकी फिल्म आशिकी जो बड़े प्यार से बनाए हैं, ये रिलीज स्टोरी साथ जी जी 4 मार्च को रिलीज हो रही है। हाँ। तो 4 मार्च को कहाँ रिलीज हुई, उसके बाद कहाँ रिलीज होगी? देखिए 4 मार्च को आशिकी रिलीज हो रही है यूपी को छोड़ के, क्योंकि यूपी में इलेक्शन और उसका काउंटिंग है 10 तारीख तक, तो 11 को रिलीज होगी। 4 मार्च को मुंबई, गुजरात, बिहार, झारखंड और नेपाल एक साथ रिलीज होगी। स्टार कास्ट कौन-कौन नजर आएंगे? स्टार कास्ट उसमें तो सबसे पहले तो हमारे दिग्गज भैया हैं, उसमें एक अलग जोन में इन्होंने काम किया है। अब हमारे सबसे वो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, ट्रेंडिंग स्टार आम्रपाली जी, उसके बाद पदम सिंह हैं उसमें, तो इस तरह से बहुत ये शैतान लड़की भी है, पैरेलल रोल में है भाई, सॉरी। अरे वो है भाई, ये सब लोग हैं। सर एक अहम हिस्सा किरदार आपका भी है आशिकी में, क्या कहना चाहिए आशिकी? भैया हमको तो जबरदस्ती डायरेक्टर लोग पकड़ लेते हैं, इसमें भी कुछ करा दिया, उसमें वो पराग जी पकड़ लिए थे, तो एक मतलब दबंग टाइप का जो एक दारोगा जी होता है वो करना था, मेरे को मजा इसलिए आया कि खेसारी जी को धरना था तो उसमें मैंने अपना भड़ास निकाला। खेसारी जी बोला मत मानेगा, हमको बहुत मजा आया था आपके साथ। तो इसलिए आपको शो मैन कर, वो तो आप लोगों ने दिया, मैं थोड़ी बोलता हूँ मैं शो मैन हूँ कि लो मैन हूँ, वो मैं खुद हूँ, आप लोग चाहे जो बोलिए, मैं सब में खुश हूँ, काम अच्छा करूंगा, उसके बाद आप लोग डिग्री देते रहिए, मैं लेता रहूंगा। देखिए आशिकी की कहानी एक बहुत अलग तरह की कहानी है, और जिस स्केल पे उस फिल्म को बनाया है वो दर्शक अगर सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे तो बार बार देखना चाहेंगे, और उसमें एक बाप बेटे के विचारधारा की लड़ाई की कहानी है,
एक रूढ़िवादी पिता जो प्रवचन तो जरूर देता है लेकिन खुद ही बहुत सारे गलत काम करता है, जो अमूमन हमारे यहाँ होता है कि आप व्हाट्सएप खोलिए तो सवेरे से आपको प्रवचन के लेक्चर मिलते रहेंगे लेकिन वो जीवन में कुछ अपनाते नहीं हैं। तो एक ऐसा बाप और एक नौजवान जो मोहब्बत के कि उसके लिए उसके सामने जात पात धर्म दीन दुनिया कोई मतलब नहीं रखता, उसका बेटा मोहब्बत के लिए अपनी ज़िंदगी बदल देता है जो बाप को पसंद नहीं है। तो ये ऐसी एक कन्फ्लिक्ट की पूरी कहानी तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन और ये जो बात है पिता पुत्र के जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, बाप भी अपनी जगह गलत नहीं होता और बेटा भी अपनी जगह गलत नहीं होता, होता है तो वक्त गलत होता है, तो उसकी कहानी है ये। 4 मार्च को रिलीज हो रही, क्या अपील करना चाहे ऑडियंस? मैं आप तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म है, आपकी अपनी भाषा की फिल्म है, और जैसे हम मातृभाषा कहते हैं इसका मतलब माँ को सम्मान देते हैं, तो अपनी मातृभाषा की बनी फिल्मों को किसी भी सारे भाषाओं को सम्मान करते हुए किसी दूसरी भाषा से कम मत समझिएगा, इसको प्यार दीजिए स्नेह दीजिए और सिनेमा हॉल में जाके देखिए और जाके ऐसा गड़गड़ाएं कि बुझा जाएगी भोजपुरिया सिनेमा का होला। सही बात। आकाश जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहें ऑडियंस से आज को लेकर के? इसके बारे में तो मैं भूल ही चुका हूँ, मैं चाहता ही हूँ कि वो हॉल में जाएं और देखें, और देखें ही नहीं बार बार देखें, और बार बार नहीं देखें फिर ऐसी फिल्मों की अपेक्षा उनको करनी चाहिए जो हमें प्रोत्साहन देगी और हम जैसे बहुत सारे युवा कलाकार हैं जिनको हिम्मत मिलेगी कि हम एक गलत चीज़ को ना बोलें और एक सही चीज़ का इंतज़ार करें, उसको बनने में हम मदद करें। बात कर जाए 4 मार्च आज की रिलीज हो रहा है, हाँ वो हमारा आशिकी ही है। ये सब लोग जुड़े हुए हैं उससे। हम सब जुड़े हुए हैं उस आशिकी से। जब ट्रेलर आया तो मतलब जितने व्यूअर थे सबका एक ही था, वो रही ये तो इतनी लाविश लग रही है, मतलब मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम शायद कोई ट्रेलर लेके अपने फोन में घूम रहे हैं, कोई आता है तो बड़े प्राउडली ये देखिए, आप लोग बोलते हैं ना देखिए तो इसमें कहाँ है गंदा, ढूंढ के दिखाए तो ऐसे ट्रेलर दिखाते हैं, तो एक प्राउड मोमेंट अब मेरी फैमिली के लिए अब जाकर आया है कि कोई ट्रेलर या किसी फिल्म को मैं दिखा पा रही हूँ कि हाँ देखिए ये मेरी फिल्म है, तो वो अब तो चलेगा, अब तो मैं अफसर बिटिया दिखाऊंगी, आशिकी दिखाऊंगी, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बाकी बाबा मोशन पिक्चर्स तो है ही, जिसके बैनर से अगर कुछ निकलेगा तो लोग ये बोलेंगे बिना देखे कि वल्गर तो नहीं होगा, बाकी जो होना होगा होता। हाँ यही अपील करना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, खेसारी जी, आम्रपाली जी, मीरा, उसमें कुछ अलग ही तिगड़ी है हम तीनों की, बहुत ही मतलब अपोजिट है, एक प्यार की जो परिभाषा होती है ना बहुत ही अलग तरीके से उसमें परोसा गया है, एक फादर और एक बेटे बाप बेटे का एक कहानी उसमें अलग से डाला गया है, लाइक बहुत ही अलग है, मैं क्या बताऊँ, वो देख के आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग थिएटर जाएंगे। हमेशा से प्रदीप सर ने, प्रदीप सर के मैनेजर से जब भी कोई फिल्म आती है कुछ बवाली करते हैं वो, तो चाहूँगी मैं कि आप लोग जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए और एक बार नहीं कई बार देखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो फिल्म आप लोगों के लिए ही बनी है। आशिकी में कितना बवाल मचाने वाली है? आशिकी में मैं अभी जो दिख रही हूँ इससे बहुत ही अपोजिट दिखने वाली हूँ, बहुत ही अलग ही उसमें कुछ किया है मैंने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ने उस फिल्म में और राकेश जी ने कुछ अलग ही उसको संजोया है मेरे लिए, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसमें मेरी और कुणाल सर की केमिस्ट्री भी देखने मिलेगी, बाप बेटी की, क्यों दद्दू बने उसमें मेरे, तो बहुत ही अलग ही है, बवाली लड़की है, बहुत बवाल काम किया उसने। तो चाहूंगी कि आप लोग जाइए, ढेर सारा प्यार दीजिए और मजबूर कर दीजिए प्रदीप सर को दोबारा फिल्म बनाने के लिए, आशिकी 2 बनाने के लिए, इतना प्यार दीजिए। सही बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।